भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने कहा, भाजपा अगर इमारत है तो कार्यकर्ता इस इमारत की नींव है। भाजपा जिला कार्यालय ज्ञानपुर भदोही काशी क्षेत्र के निर्देश पर मंडल प्रवास का कार्यक्रम व बैठक सुनिश्चित किया गया, जिसमें दिनांक 24 सितंबर 2020 को मंडल भदोही में विनोद सिंह के आवास पर व मंडल सूर्यामा संजय यादव के आवास पर संगठनात्मक विषय को लेकर महत्वपूर्ण प्रवास व बैठक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बैठक की मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी व पूर्व मेयर प्रयागराज व महिला आयोग की वर्तमान सदस्य श्रीमती अनामिका चौधरी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी पदाधिकारी से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी इमारत की वह नींव है जिसके बिना भारतीय जनता पार्टी की इमारत की कल्पना भी संभव नहीं है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिला अध्यक्ष भदोही विनय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी नेता या मंत्री से कम नहीं है। आज जितने भी बड़े नेता गरिमापूर्ण पदों को सुशोभित कर रहे हैं, कभी ना कभी वह भी एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं और आज भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ही मानते हैं। जिन कार्यकर्ताओं के बिना पार्टी की कल्पना ही संभव नहीं है, ऐसे कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष ने अपना भगवान बताया। इसके साथ ही उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया और उनकी महानता पर चर्चा की। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष ने 2022 के चुनाव में जीत का मूल मंत्र भी गुनगुनाया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री रमेश पांडे ने किया। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनोज शुक्ला व सूर्यामा मंडल के अध्यक्ष अजय मोदरवाल ने की। मंडल प्रभारी व पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पांडे ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक कार्यकर्ता से संवाद करने की जरूरत है, ताकि क्षेत्र की समस्याओं का पूर्णतः पता लगाया जा सके और उसका समाधान किया जा सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह का कार्यक्रम संपन्न किया गया। प्रधानमंत्री ने घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूर्ण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्षों से चले आ रहे राम मंदिर मुद्दे का निराकरण संभव हो पाया। इसके साथ ही धारा 370-35A CAA 3 तलाक कानून जैसे अहम मुद्दों का समाधान करने में सफलता प्राप्त हुई। पार्टी का निर्देश है कि प्रत्येक मंडल में प्रत्येक सेक्टर में एक डायरी बनाकर उस विषय पर विपक्ष की बात और पक्ष की बात दोनों लिखकर संज्ञान में लेने का सार्थक प्रयास करें, ताकि आने वाले 2022 के चुनाव में विशिष्ट रणनीति बनाकर अपार सफलता प्राप्त कर सकें। दूसरा विषय यह कि प्रत्येक मंडल प्रभारी हर 15 दिन में बूथ सेक्टर प्रभारी के साथ संवाद अवश्य करें, ताकि बूथ स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि अपने आसपास के ग्राम प्रधान, विपक्षी पार्टियों के पदाधिकारियों आदि के संपर्क में रहें और आसपास की स्थिति का जायजा लेते रहें, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में पार्टी के प्रति जनता के रुझान का सही आकलन करने में आसानी होगी और हम जीत की और आसानी से अग्रसर हो पाएंगे। कार्यक्रम में जिला महामंत्री रमेश पांडे, जिला उपाध्यक्ष सुशील गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ पांडे, जिला कोषाध्यक्ष शिवसागर मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष पांडे, जिला महामंत्री संतोष शुक्ल, लालमणि शुक्ल, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा विनय कुमार पांडे उर्फ गोरेलाल, विनोद सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, काशी प्रांत अध्यक्ष मिशन मोदी अगेन, सरल व सहज स्वभाव के धनी पूर्व विधायक पंकज पूर्णवासी व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोई भाषण 73 बूथ और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि बूथ की चेकिंग 3 बार हुई। ऐसा कोई बूथ नहीं है जो कह सके कि ये फर्जी है बिना मेरी मर्जी के। 73 बूथ सब बिल्कुल 21 की टीम के साथ संवारी गई थी के साथ आपके सामने पेश है। 15 सेक्टर है, सेक्टर के सारे संयोजक और सेक्टर के सारे प्रभारी, इनकी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। ये सब दीनदयाल की आत्मा है, ये मुझे कहने में गर्व हो रहा है। आज अगर हम सड़क पे चलते हैं तो लोग कहते हैं कि भाजपा
जान। उसके पीछे का रीजन जानते क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि आपने विषम परिस्थितियों में भी, जब दूसरे दल की सत्ता हमारे ऊपर अत्याचार कर रही थी, उठाराघात कर रही थी, तब भी यही चेहरे हमारे सामने कमल का झंडा लिए सीना खोल के तैयार थे। मित्रों, अगर पंच निष्ठा न कहूं तो अधूरी रह जाएगी भाजपा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो पहली निष्ठा है वो राष्ट्रवाद है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हृदय से राष्ट्रवादी होता है, वो भारत माता को प्रेम करता है, वैसे ही प्रेम करता है जैसे अपने परिवार को करता है। इसलिए जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई तो हर कार्यकर्ता जागता रह गया, हर कार्यकर्ता उस रात जगता, क्योंकि उसे भारत माँ से प्रेम। लोकतंत्र जो इस विधा को संचालित करता है, जहां डब्बे से राजा पैदा होता है, अमलियों से विचार जिंदा होता है, इसमें मैं विश्वास करता हूं। मैं मतलब प्रत्येक कार्यकर्ता विश्वास करता है। यह हमारी दूसरी निष्ठा। तीसरी निष्ठा, हम जो संचालित होते हैं समाज में, वो सत्ता संचालित होती है भारतीय संस्कृति से और धर्मनिरपेक्षता से। ये हमारी तीसरी निष्ठा है। इसलिए 5 अगस्त को हिंदुस्तान का शायद कोई व्यक्ति होगा जिसने रामलला के मंदिर का शिलान्यास पर अपने हृदय से खुशी नहीं मनाई होगी, क्योंकि निष्ठा का प्रतीक। हमारी चौथी निष्ठा है गांधीवादी आर्थिक नीति, अर्थात स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देना, लोकल फॉर वोकल जो हमारी नीति है, वो हमारी चौथी निष्ठा। और अंतिम निष्ठा भारतीय जनता पार्टी की, वो है मूल्य आधारित राजनीति। कैसी निष्ठा? मूल्य आधारित राजनीति। हम जीवन मूल्यों के आधार पर राजनीति करते हैं। इस पंच निष्ठा से हमारे सारे कार्यकर्ता मंडल जी पूर्णतया संचालित होते हैं। ये मैं आपको हृदय से, आज संगठन का कार्य है और हमारा बूथ तैयार है। हमने वो दिन भी देखे हैं, फोन बंद कर, हमने वो दिन भी देखे हैं कि हम बस्ता रात में बांटते थे। एक ऐसे जगह पर भी बस्ता जाता था जहां सपा बसपा भाजपा तीनों का बस्ता पहुंचता। लेकिन मैं इस बैठक में धन्यवाद दूंगा अपने संगठन मंत्री को, धन्यवाद दूंगा अपने संगठन महामंत्री माननीय सुनील बंसल जी और अपने प्रदेश अध्यक्ष भाई स्वतंत्र जी को, जिन्होंने जो संरचना बनाई है वो संरचना इतनी जबरदस्त है कि रात 12 बजे भी हम अपने ही घर में अपना बस्ता देंगे, अपने योद्धा को ही हम तैयार करके अपने योद्धा के साथ मैदान में कर जाएंगे। इसलिए भाई सुनील बंसल जी और प्रदेश के अध्यक्ष भाई स्वतंत्र जी को मैं हृदय से धन्यवाद और आभार दूंगा। इस सारी बैठक का जो विषय है वो है मंडल की राजनीतिक और सामाजिक संगठनात्मक स्थिति का आकलन करना। मंडल का टेम्परेचर, पॉलिटिकल टेम्परेचर एंड ऑर्गेनाइजेशनल टेम्परेचर, हम ऑर्गेनाइज कैसे हों और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी बाधा हो सकती है, ये बहुत गंभीर विषय है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो बाधा होती है उस बाधा का कारण हमारी क्रिया हो, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हृदय से बहुत स्वाभिमानी होता है। उसके स्वाभिमान पर जब ठेस लगता है
तो उसको दर्द होता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन कमजोर होता है। मैडम, इस विषय को आप गंभीरता से महसूस कीजिए। ये पीड़ा अभी अभी झलकी, सन 2000 से लेकर आज तक 52 लाख रुपया इस मंडल में ब्लॉक के नाम से जमा है और उस पैसे का अभी तक कोई बही खाता हिसाब सही होकर इस ब्लॉक पर नहीं आया है। ये हमारे विधायक जी की पीड़ा है। मैं विधायक जी आपको भरोसा देता हूँ, अगली कोर कमेटी में मैं अवश्य ही इस विषय को रखूंगा। इसके बाद की पीड़ा की वो है हॉस्पिटल अस्पताल, CHC बननी ही चाहिए यहाँ, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। माननीय विधायक जी आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी के माध्यम से, मैं यह विषय कोर कमेटी के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री को अवश्य पहुंचाऊंगा। क्या होता है यह ऑर्गेनाइजेशन दर्द? अगर किसी कार्यकर्ता के मान सम्मान में उसका पड़ोसी या विपक्षी दल का नेता आड़े आता है तो मैं उसके दर्द में ठीक उसी तरह खड़ा होता जैसे उसका दर्द होता है, और ये मैं लगातार करके दिखा रहा हूं। इसमें मैं अगर नहीं सफल होऊंगा तो ये मेरा दायित्व का अपराध होगा। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को मैं वचन देता हूं कि उसके स्वाभिमान पर लगने वाला ठेस मेरे स्वाभिमान पर लगा हुआ ठेस महसूस कीजिए। कहा सवाल राजनीतिक संरचना, स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। यहां पर गोली नहीं चलती है मित्र, बोली चलती है। बोली मतलब विचार। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने विचार को जनता के बीच इस तरह से रखें कि उसको लगे कि हम सच कहें। नेताओं की जो सबसे बड़ी कमी होती है वो होती है विश्वसनीयता का संकट। विश्वसनीयता का संकट नेताओं का चरित्र बन जाता है, और अगर ऐसा चरित्र जिस भी नेता का बनता है वो पद से खिसक जाता है, उसको न तो जनता न तो कार्यकर्ता मान सकते हैं। इसलिए आप अपना चरित्र, जो आपका विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी, वो आप बनाए रखेंगे तो आप मान के चलिए आपके समाज में आपके चरित्र का सर्वाधिक रोल रहेगा। और आप चाहे जिस भी पद पर बूथ अध्यक्ष क्यों न हो, अगर आपकी विश्वसनीयता आपके कार्य से झलकती है तो आप सर्वथा सम्मानित माने जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसमें कोई शंका है क्या? इसलिए आपका जो राजनीतिक संगठन है वो ऐसा आपका चरित्र होना चाहिए, और आपकी वर्किंग कैसी होनी चाहिए, वो वर्किंग है पंच निष्ठा की मूर्ति के रूप में। आप अपने सामाजिक स्तर पे मूल्य आधारित राजनीति करें, आपको समाज पूछेगा, इसमें कोई झोरा नहीं है। मित्रों, जो मूल्य आधारित राजनीति करेगा वही समाज का आइकन होगा, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे वो सेक्टर संयोजक हो, चाहे वो किसी पद पर हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश का कोई भी पदाधिकारी हो। मूल्य आधारित राजनीति करना हमारे दिन आत्मा का वही सबसे बड़ा सच। दूसरा विषय है, अगर मंडल कमजोर है, मंडल कमजोर का मतलब हमारे वोटर्स वहां कम, वोटर कम है तो वो बढ़े कैसे? देखिए, आज के पहले 2014 के पहले हमारे दल की विश्वसनीयता उस समाज में नहीं आती थी जिस समाज के पास एक बड़ा वोटर रहा करता। लेकिन मोदी जी भारतवर्ष के पहले ऐसे व्यक्ति हैं
जिन्होंने कास्ट क्राइम और करप्शन गौर कीजिए, मोदी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने कास्ट क्राइम और करप्शन पर लगातार चोट की और नतीजा क्या हुआ, आज हमारी ओर एकदम दीनदयाल की सोच के अनुरूप अंत्योदय अंतिम व्यक्ति चाहे उसकी कास्ट कोई भी हो उसकी विश्वसनीयता मोदी से कायम, इसलिए वो वोट करता है। इसलिए हम अगर मोदी जी को पहुंचा देंगे, स्वयं मोदी के स्वरूप के रूप में अपनी वर्किंग करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका मंडल किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होगा। आपकी राजनीतिक स्थिति उस बूथ पर भी बहुत अच्छी होगी, उस सेक्टर पर भी बहुत अच्छी होगी, उस व्यवस्था में अच्छी होगी जहां तक आप चाहते हैं। मित्रों, तीसरा विषय है मंडल प्रभारी सेक्टर प्रभारी सेक्टर संयोजक को सक्रिय करना। आप मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष का दायित्व तो है कम से कम हफ्ते में, एक हफ्ते में प्रत्येक सेक्टर संयोजक से उसकी टेलीफोन पर 10-5 मिनट अवश्य बात। अगर आप रोज बात करते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन मंडल अध्यक्ष का दायित्व है कि वो सेक्टर को टच करे, और सेक्टर अध्यक्ष का दायित्व है, सेक्टर संयोजक और सेक्टर प्रभारी का दायित्व है कि ये बूथ अध्यक्ष और बूथ की समिति के प्रत्येक सदस्य एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन, एक हफ्ते में अगर बूथ के 21 सदस्यों का हाल चाल लेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो समिति नंबर एक पर काम करेगी। और याद रखिएगा, मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, बूथ अध्यक्ष मेरा भगवान है, ईश्वर सौगंध, मैं आज 10 महीना लगभग मुझे होने जा रहा, मैं अपने प्रत्येक बूथ अध्यक्ष को सम्मान सहित रिसीव करता हूँ। मैं जब वो फोन करता है कि अध्यक्ष में बूथ नंबर 212 से बोल रहा हूँ, ये मुझे लगता है ये मैं शायद पहला ऐसा अध्यक्ष हूँ जिसमें बूथ अध्यक्ष अपने नंबर के साथ मुझको अपनी समस्या और वो बात करता है, और मैं ऐसा अध्यक्ष हूँ जो सीधे अपने बूथ अध्यक्ष को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी जोड़ देता हूँ, अगर नहीं जोड़ता तो मेरी विश्वसनीयता कम। मैं जो प्रयास कर रहा हूँ मित्र, उस प्रयास का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा सेक्टर संयोजक, हमारा सेक्टर प्रभारी, हमारे मंडल के पदाधिकारी विश्वास के साथ समाज में खड़े हों कि हाँ, सरकार भाजपा की है, मैं भारतीय जनता पार्टी हूं और आपकी जो भी समस्या है उसका न्यायोचित हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैं सभी सम्मानित अपने कार्यकर्ता नहीं, जिम्मेदार भगवान से कहता हूं कि आप, हम सब लोग हैं, न्याय ही हमारा धर्म है, लेकिन कहीं भूल बस कोई भूल हो जाए तो मुझको जरूर बता दीजिएगा, पैरवी करने में सुविधा होती है कि ये मेरी भूल है, इसको अध्यक्ष जी प्रशासनिक रूप से सुधार लीजिएगा, इसमें चूक हुई, लेकिन सच बताइए, सच बहुत मजबूत होता है, वो गलत हो या सही हो, सच सिर्फ सच होता है, और पैरवी तभी मजबूत है जब हम सच के साथ अधिकारी के सामने खड़े होते हैं। इसलिए मैं आपको वचन देता हूं कि आप मेरे देवता हैं, आप ही दाता हैं, आप भगवान हो, अगर आप वर्क कर लोगे 100% तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भदोही किसी भी चुनाव में आपको विपक्षी की जमानत में जब्त करा दे। इसके बाद का कालखंड है सेक्टर प्रभारी और सेक्टर संयोजक अपनी डायरी बन। मित्रों, इसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत गंभीरता से हमें सेक्टर संयोजक और सेक्टर प्रभारी अगर डायरी बना लेगा, और डायरी में विषय क्या होगा, डायरी अगर आपकी बन गई, मैं चैलेंज करता हूं कि आपको कितनी वोट मिलेगी बूथ पर, ये आप इलेक्शन के एक हफ्ते पहले दिन का बता। डायरी में आपको अपने पक्ष का भी नाम लिखना है, अपने विपक्ष का भी नाम लिखना है, विपक्ष के साथ आपको लगातार तालमेल करना है, आप आवश्यकता हो तो विपक्ष के यहां मुझको भी बुलाकर चाय पिला लीजिएगा,
पूरी बूथ साफ कर देंगे महाराज, ये मैं दावे के साथ, आपकी गाड़ी बनी रहेगी तो मैं दावे के साथ करता हूँ कि आपका जितना वोट बूथ पर पड़ेगा वो आपके हाथ की गिनती पर अंगुलियों पर प्रधान की तरह रहेगा कि 432 वोट है इसमें से 350 पड़ेगी, इसमें से 298 या 300 वोट हमको मिलेगा। इसलिए डायरी पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की जबरदस्त निगाह। और एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, आप एक बात जानते रहिए, आज के डेट में जो मॉनिटरिंग है वो इतनी मजबूत है कि प्रदेश कार्यालय में अरुण कांत जी है, मैडम जानती हूँ, अरुण कांत जी के जब कमरे को मैंने खोला और अरुण कांत जी ने मुझे दिखाया, मैं जानकर आश्चर्य रहा कि अगर बूथ संख्या भदोही की 34 नंबर की बूथ है तो उस 34 नंबर के बूथ पर प्रत्येक वोटरों के ऊपर उसके विचारधारा का संकेत। आप इलेक्शन लड़िए, गिनती वहां पहले से कब, इतनी तैयारी भाजपा कर चुकी है, आप उस तैयारी को अंजाम देंगे मित्रों तो आपका ये कमल कभी मुरझाने नहीं पाएगा। इसके बाद बूथ का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, क्या बनाना है, व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि नाउ ए डेज आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल हो गई, हम लोगों ने वर्चुअल पूरे भारतवर्ष की, भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे विश्व की एक ऐसी सबसे बड़ी पार्टी है जिसने विश्व में सबसे पहले वर्चुअल सम्मेलन करके पूरे विश्व को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा टेक्निकल और सबसे ज्यादा एडवांस पार्टी है विश्व में। आज तक इतनी एडवांस कोई भी राजनीतिक दल की व्यवस्था नहीं है मित्रों, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप हमारा अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप और अब आइए चुनाव। चुनाव दो है, दोनों काउंटिंग वोट के हैं और दोनों वोट जो है एकल संक्रमणी पद्धति से पड़ने वाले होते हैं। एकल संक्रमणी मतलब आपको 3 वोट देने का कम से कम अधिकार है सिस्टम में, और जितने 11 या 12 पसंद के वोट देने का आपको अधिकार है अगर इवेंट है एक कुर्सी दे दीजिए उनको। आप सेक्टर संयोजक है, आप एकल संक्रमणी वोट के रूप में आपके पास 2 चुनाव आ रहे हैं। आपने अगर स्नातक का फार्म भरा होगा तो आपका धर्म है सिर्फ 1 नंबर, आप 2-3 वोट मत दीजिए, 1 वोट दीजिए। और अगर आप शिक्षक संघ के वोटर हैं तो निश्चित रूप से 1 वोट दीजिएगा, इसके अतिरिक्त कुछ मत दीजिए। अब मित्रों मैं आपको सबसे बड़े चुनाव के विषय में बताने जा रहा हूं जो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के जब से बनी है भाजपा तब से उसका लक्ष्य, वो विषय है हमारा जिला पंचायत का अधूरा सपना। आज तक हम 1-2 सीट 3 सीट जीतते आए हैं, वो उस कार्यकर्ता की व्यक्तिगत क्षमता रही है, लेकिन अब हम 27 की 27 सीट जीत रहे हैं, ये मैं आपसे वादा कर चुका हूं। 27 की 27 मैं उस विपरीत परिस्थिति में अपने मित्र बड़े भाई पूर्व जिलाध्यक्ष को कहा था कि मैं 27 की 27 आपको जिता दूंगा, तो इनको लगा था कि ये क्या कर रहे हैं। मित्र जब 1 लड़ता है तो वो कमजोर होता है और जब सब लड़ते हैं तो वो मजबूत लड़ता है। मेरे मन में एक सपना है, वो सपना मैं काशी प्रांत के अध्यक्ष से शेयर कर चुका हूं, अब से भी शेयर कर रहा हूं। वो शेयर सपना क्या है जानते हैं, 27 वार्ड है, 27 वार्ड में लड़ने वाले लोग, ताल ठोकने वाले लोग, किन्हीं को गुमान होगा कि मैं पैसे के सहारे लड़ूंगा, लेकिन मुझे गुमान है कि मैं कार्यकर्ता के सहारे लड़ूंगा। 2700 वार्ड के कैंडिडेट कैसे चुने जाएंगे ये कंसेप्ट मैं आपको बता के आज जा रहा हूं और अंतिम दम तक उस कंसेप्ट पर काम, अंतिम दम तक उस कंसेप्ट पर काम करूंगा। एक अध्यक्ष का स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं,
हमारे 27 वार्डों में बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और उस वार्ड में रहने वाले जिले के पदाधिकारी पूर्व और वर्तमान मिलकर मुझको 6 नाम दे, 2 बैकवर्ड, 2 फॉरवर्ड और 2 शेड्यूल। वही 6 नाम मैं अपनी टेबल पर रखूंगा और उसी 6 में से ही कैंडिडेट होगा, क्योंकि वह सबका कैंडिडेट है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप ही कैंडिडेट तय करेंगे। आप मंडल अध्यक्ष के साथ कैंडिडेट तय कर लीजिए। 6 ऑप्शन इसलिए मैं दे रहा हूं कि अगर वो सीट फॉरवर्ड हो गई तो कैंडिडेट 2, अगर वो सीट बैकवर्ड हो गई तो वो कैंडिडेट 2, अगर वो सीट शेड्यूल हो गई तो कैंडिडेट 2। आप 2-2 कैंडिडेट ऐसे दीजिएगा जिसका वार्ड आपको लगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का दीनदयाल अगर निकल गया तो दुनिया कोई ताकत नहीं है जो उसको हरा सके। पैसा गौण हो जाएगा, आपकी लड़ाई आप जीत के आओगे। ये किसी को विश्वास हो या न हो, विनय श्रीवास्तव को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है कि जीत अवश्य होगी और मैं 27 का 27 आपको जीत कर दे दूंगा। और जब 27 जीत लूंगा तो आप लोगों के साथ बैठकर तय करूंगा कि किसको जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाना है। माने चाहे वो विधायक हो, सांसद हो और आप हो, खुली बैठक कराकर उसमें अध्यक्ष का चयन करूंगा। ये मैं वादा करता हूं। वहां भी 3 नाम चयन में होगा और वही 3 नाम आगे फॉरवर्ड करके उसी में से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनाऊंगा। और मित्र, जिस दिन जिला पंचायत अध्यक्ष आप बन जाइएगा, आपके विकास का रास्ता जो बहुत दिनों से बंद था वो खुल जाएगा। आप किसी के मुखापेक्षी नहीं रहेंगे, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष आपके विकास की गंगा बहाएगा और दीनदयाल के सपनों को साकार करेगा। यही है मेरा एक सपना, वो मैं आपके माध्यम से अवश्य पूरा करूंगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इस ऊपर 6 कार्यक्रम संवैधानिक रूप से तय किए गए हैं। हमारे बूथ अध्यक्ष को 6 कार्यक्रम करना ही है, वो उसका संवैधानिक दायित्व तो है। वो कार्यक्रम क्या है? 6 अप्रैल, भाजपा न होती तो हम न होते, इसलिए बूथ पर 6 तारीख को, 6 अप्रैल को पहला कार्यक्रम करना है। 6 के बाद 14 अप्रैल को हमारा दूसरा कार्यक्रम है, वो है अंबेडकर जी की जयंती। तीसरा कार्यक्रम है 25 जून को डॉक्टर 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके आदर्श पर ये भारतीय जनता पार्टी आपके सामने आई है। ये है 23 तारीख। 25 सितंबर जो अभी कल आने वाला है वो है दीनदयाल जी की जयंती, जिनकी पंच निष्ठा और जिनका एकाद धन्यवाद। यही है आप, ये जयंती भी हमें हर बूथ पर मनानी है। और मित्रों, 25 दिसंबर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का एक ऐसा दीप्तिमान पुरुष जिसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं। अगर अटल को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जवानी का कालखंड शून्य में लिखा जाएगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता लिखाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। और अद्भुत बहुत बड़ा सच, जो व्यक्ति 10 साल तक सत्ता से कोसों दूर रहा हो उसकी 100 यात्रा में जो दिखा उसको देखने के लिए शायद भगवान को भी तरसाया हो। जिस श्रद्धा के साथ उनकी 100 यात्रा निकाली गई, भारत के इतिहास में इतनी सक्षम 100 यात्रा नहीं निकली थी, शायद किसी की निकले, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और विश्वास करता हूं कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में आप उसे भी मनाइएगा। और अंतिम कार्यक्रम है 11 जनवरी, वो है दीनदयाल जी का निर्वाण दिवस। मित्रों, वही दीनदयाल जो हमारी आज की पहचान है। इस तरह से जो ये कार्यक्रम है वो सब मैंने आपके सामने व्यक्त किया।
मुझे थोड़ा सा अफसोस भी है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री अतिथि के लिए कुछ छोड़ा। हम लोगों का सबका प्रयास होना चाहिए कि हमारे मंडल में प्रवास करने वाले जितने भी अपने पुराने कार्यकर्ता हैं, जैसा कि कहा जाता है पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो हमारे जितने भी सेक्टर संयोजक और सेक्टर प्रभारी हैं, उनके अगल बगल जितने भी ऐसे लोग हैं, अपने पुराने कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनसे हमें चुनाव में मदद मिल सकती है और जिनकी बात उनके गांव के, उनके अगल बगल के लोग मानते हैं, ऐसे लोगों से हमें नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए। अगर किसी की कोई समस्या होती है तो समस्या को आप अपने मंडल अध्यक्ष से बताइए, अपने जिला अध्यक्ष से बताइए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, इनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष तक अपनी बात हम लोग पहुंचा सकते हैं। कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान मिले और कार्यकर्ता जी जान लगा करके 22 की तैयारी करें। अभी MLC का चुनाव होने वाला है, उसमें शिक्षक MLC और ये स्नातक MLC का चुनाव होने वाला है, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जितने भी हमारे स्नातक बंधु हैं, जितने भी अध्यापक बंधु हैं, उन लोगों से संपर्क बना करके अपने पक्ष में मतदान करने के लिए हम उन्हें प्रेरित करेंगे और उनके साथ हमेशा संपर्क बनाए रखेंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, यहाँ की एक जनहित की बहुत ज्वलंत समस्या है, मैंने आपके संज्ञान में एक बार डाला भी था और यहाँ सबके सामने भी मैं कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष तक अगर हमारी बात चली जाएगी तो ये कार्य आसान हो जाएगा। सन 2000 में जब मैं यहाँ विधायक था, माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो उनसे अभोली ब्लॉक का की घोषणा हमने करवाया और उस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 52 लाख रुपया इस अभोली ब्लॉक के भवन निर्माण के लिए उन्होंने तत्काल वहां से रिलीज करवा दिया। पैसा आ करके 2000 से यही जिले में पड़ा हुआ है, 20 साल हो गए और अधिकारी यहाँ के अब तब इधर उधर अहकावे बहकावे में। कई बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भी यह प्रश्न उठाया, लेकिन अधिकारी यहाँ के बस वही चालू जो उनकी समझ में आता है कि ये जगह नहीं मिल रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपना कह करके टाल देते हैं जगह, उसके नाम से। और दूसरी बात, यहाँ पर 2010 में वो जिला वो अस्पताल तो ना, 2010 से जिला ब्लॉक पर CHC का निर्माण हो रहा है, लगभग 30-40% काम हो गया है, ठेकेदार छोड़कर भाग गया है कि अधिकारी उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। और इस कोरोना महामारी के समय यहाँ की जनता इतनी परेशान हो रही थी, सुरियामा जाना पड़ता था, गोपीगंज जाना पड़ता था, ज्ञानपुर जाना पड़ता था, लोगों को बहुत दिक्कत हुई और हमारे यहाँ अस्पताल का निर्माण 10 से रुका हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से आपके संज्ञान में देना चाहता हूँ कि इन दो कार्यों को, जो कि जनहित का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपने स्तर से और विशेष रुचि लेकर के इन दोनों कार्यों की विशेष जांच करा करके उसका निर्माण कैसे संभव है, कैसे जनता को इसका लाभ मिले, इसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। और आपका और पार्टी का जो निर्देश है, हमारे इस मंडल के कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। आपने देखा कि जिनकी अपेक्षा की गई थी आने के लिए, लगभग सभी लोग आए हैं। एक दो लोग इस बीमारी के कारण
बुखार में और परेशानी के कारण नहीं आए होंगे और हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, जी जान लगा करके 22 की तैयारी कर रहे हैं और जो भी पार्टी के द्वारा काम दिया जाएगा उसको मुस्तैदी के साथ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका आभार व्यक्त करते हैं। एक कार्यकर्ता ही अपना जिला अध्यक्ष बना है, लड़ाई अब लगभग जिला अध्यक्ष हर मोर्चे पर लड़ते रहते हैं, प्रशासनिक हो संगठनात्मक हो। मैं इशारा भी किया था, अपने परिवार की बैठक है कि संगठन और प्रतिनिधियों का तालमेल ठीक से यहाँ नहीं। आप प्रदेश के नेता हैं, जो मार्ग चाहें सबको साथ बैठा के या अलग अलग वार्ता करके, काम बहुत हो रहा है प्रदेश महाराष्ट्र के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन आज हमारे क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हो, हमारी प्रदेश मंत्री आई हैं और जिस सेक्टर में आई हैं अगर उस सेक्टर प्रमुख को न मालूम हो तो बहुत कष्ट होता है। ऐसा कार्यक्रम कोई भी चलाया जाए, कोई भी विकास का काम हो, जिला अध्यक्ष के माध्यम से, मंडल अध्यक्ष के माध्यम से, सेक्टर संयोजक के माध्यम से, सेक्टर प्रमुख बूथ प्रमुख के माध्यम से हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक अनुरोध और आपसे करना है, मेरी बात आप इसको जरूर ही नोट कर लें, क्योंकि हम लखनऊ में भी हैं, दिल्ली में भी। जैसे प्रशासनिक स्तर पे एक एक बढ़िया मोबाइल लेखपालों को दी गई है, तो अपने क्षेत्र की फोटो डाल देते हैं, एक एक मोबाइल कम से कम सेक्टर प्रमुख और सेक्टर संयोजक को जरूर मिले। एक मोबाइल अभी जब हम ये रिपोर्ट करते हैं 12 नहीं, बड़ा कष्ट होता है। आप पीड़ा कार्यकर्ताओं को समझ सकते हैं, उसमें ये नहीं कि केवल कार वाले और मोटरसाइकिल वाले ही हमारे सेक्टर प्रमुख बन सकते हैं, जमीन के कार्यकर्ता। मैं आदरणीय पूर्णवासी पंकज जी, जब तक कि एक बार ये अपना पोस्ट डाल रहे थे अपने कार्यकाल का, जितना काम कराए हैं उसी जो अधूरा काम है जो मांग है उसको भी आपके द्वारा वहाँ रखा जाए। ये सब बातें कहते हुए मैं एक बार पुनः हमसे सब लगभग सीनियर जी हैं सेक्टर संयोजक, मैं उन्हें आदेशित में निवेदन करता हूँ, जो प्रदेश मंत्री की अपेक्षा है, भाजपा की अपेक्षा है, जिला अध्यक्ष की अपेक्षा है, हम लोगों की जो अपेक्षा है उस पर आप लोग खड़े उतरें। उस चुनाव MLC का है और एक दो एक स्नातक है, एक शिक्षक का। इस बार सौभाग्य से शिक्षक के जो नेता हैं चेत नारायण सिंह, वो भाजपा से प्रत्याशी हो चुके हैं और इसमें कुछ अध्यापक भी हैं, उनकी भी पीड़ा आप अलग से सुनेंगे। और आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, सभी मतभेद बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आप लोग वोट करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला की टीम, जिला प्रभारी, मंडल प्रभारी, आज हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, अपने जिला अध्यक्ष को, सभी जन को। एक मैसेज अब चला ही गया है कि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष आप ही से होगा, कोई माफिया बात करेगा ना, गुंडे गर्दी चलेगी ना, पैसा चलेगा, ऐसे माफियाओं का जगह जहां था वहां पहुंच चुके हैं। विनय श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष ने मुझसे कहा करीब 2 महीना पहले, मैं बता रहा हूं बड़े विश्वास से, कि अध्यक्ष जी इस बार अपने कार्यकर्ता को ही जिला अध्यक्ष बनाना है। उनको देखने लगा ऊपर से नीचे, कहाँ से दिमाग इनका खराब हो गया, कैसे बन जाएंगे, लेकिन मैं अपने सोच को बदलता हूँ और इनको एक बार धन्यवाद देता हूँ। अभी तक जो जिला पंचायत पर कब्जा किया हुआ था तो पूरा परिवार सहित जेल जाने वाला है, उसके समर्थक जितने हैं 34 36 वो भी जेल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का पहली बार
जिला पंचायत सदस्य भी होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष होगा और उस अध्यक्षों में से ही ग्राम प्रधान अपना होगा। और आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी से ही कार्यकर्ता से ही यहाँ का विधायक होगा। मुझे काफी संकोच नहीं, आप भी कार्यकर्ता रहे हैं, इनके साथ मैं काम किया हूँ। जिला अध्यक्ष की मैं पीड़ा समझ सकता हूँ, बाप बाप इनकी आंख में आंसू आ जाता है। आपके लिए हमारे लिए छोटे कार्यकर्ता लड़ते रहते हैं, बेचारे लड़ते रहते हैं, लेकिन मैं इनके हिम्मत को भी दाज दूंगा और मैं जो भी सहयोग मेरा पूर्व अध्यक्ष के नाते, पूर्व प्रदेशकार समिति के नाते, एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते जो भी सहयोग बन पड़ेगा मैं जिला कमेटी को, अपने मंडल को देता रहूंगा। एक बार फिर से अनुरोध करते हुए कि अपना मंडल अभोली है, अभोली मंडल भाजपा के दृष्टिकोण से ऊर्जावान मंडल है। इस बार ऐसी छाप छोड़ना है कि पूरे जिले में मंडल अभोली नंबर एक पर है। यही बात करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में आपने समाज की सेवा की, हर प्रकार से उनको सुविधा पहुंचाया, या कोई और नहीं कर सकता, न किसी में यह ताकत है। अगर किसी में यह ताकत है और भूता है तो वह है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।